हेलो माय डियर स्टूडेंट दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली बनाई जा रही है 12th क्लास के बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप किसी और क्लास में हैं और आपके पास पॉल साइंस है तो आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ जानकारी को मिलने वाली है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 12वीं क्लास NCERT पॉल साइंस राजनीति विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, जो कि वर्तमान में फर्स्ट चैप्टर है। लेकिन अगर बात की जाए आज से कहीं 2 साल पहले या 1 साल पहले, ये जो फर्स्ट चैप्टर है आज, ये कभी सेकंड चैप्टर हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं द्विध्रुविता अंक की, यानी कि द्विध्रुविता अंक, यानी कि आपको अगर ये चैप्टर आपने पढ़ा है या आपने इसको सुना है या आपने देखा है तो आप इस बारे में जानते जरूर होंगे। तो शेयर करता हूं आपको लेकर टॉपिक के पास, ताकि आपको मुझे समझाने में दिक्कत ना हो। तो इस चैप्टर का नाम क्या, पहले आप सुन लीजिए। यहाँ पर क्लास ऑलरेडी चल रही है, ऑफलाइन क्लास चल रही है और प्लस ये यूट्यूब पर अपलोड होगी। चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता, ध्रुवीयता का अंक, ये इस चैप्टर का नाम है। मैं आपको वन बाय वन एक चीज बताता हूं, पहले बात सुन लीजिए। यहां पर दो ध्रुवीयता का मतलब क्या है पहले ये समझ लीजिए। यहां समझना आपको क्या है, देखो यहां पर दो दो मतलब क्या होता है। एक ध्रुवीयता आपके पास है अमेरिका, अमेरिका जिसको आप अमेरिका शक्ति बोल सकते हो, और एक तरफ है यूएसएसआर। अगर मैं अमेरिका की बात करूं, अमेरिका जो पूंजीवादी का पक्षधर है, इसका पक्षधर है पूंजीवादी विचारधारा का पक्षधर है, और जबकि यूएसएसआर ये साम्यवादी विचारधारा का पक्षधर है। कई बात समझ में आ गई आपको, पक्षधर है ठीक है। ये साम्यवादी का है और वो पूछ कर गए, विकसित किया मैंने और ठीक कर दू उसको मैं, साम्यवादी ये लिखा सही। ये दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। आपने सुना होगा कैपिटलिज्म पूंजीवाद, जहां पे मोस्टली सारे काम प्राइवेट होते हैं, और समाजवादी जहां पर सरकार और समाज दोनों मिलकर काम करती है। आपने दोनों सुना होगा, समझा लिया होगा। अगर मैं और बात करूं, अमेरिका, अमेरिका जाना जाता है अपने संगठन नाटो के लिए, इसके लिए नाटो के लिए, जबकि सामने जाना जाता है आप किसके लिए, वारसा पैक्ट के लिए, किसके लिए, वारसा पैक्ट के लिए जाना जाता है, वारसा पैक्ट के लिए जाना जाता है। तो ध्यान से सुन जाए कितना था पढ़ रहा हूँ, वारसा पैक्ट के लिए जाना जाता है। ये पैक्ट किस है, मैंने ऐसे लिख दिया, आप चेंज भी कर सकते हो ठीक है। अगर ठीक करना है तो आप बखूबत कीजिए, यहाँ पे टी लगा दीजिए, इससे भी काम चल जाएगा आपका। अगर इसमें भी दिक्कत होती है तो यहाँ आप इसको हटा कर, क्योंकि ये अपमानजनक संधि थी, थोड़ा ठीक कर दूं आप, मैं इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं वारसाए, आप ये भी लिख सकते हैं ठीक है। आप दोनों में से कुछ लिख सकते हैं, क्यों, हर किताब में कुछ अलग लिखा हुआ है ठीक है। NCERT बुक में लिखा है कुछ अलग है, लेकिन जब आप क्लास चेंज करते हो, आप जब 12th की जब जाओगे, जहां BA में जाओगे वहां पढ़ोगे, तो वहां तो कुछ आपको अलग है मिलेगा। कितनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक बात ध्यान सुन लीजिएगा, जो ये वारसाए पैक्ट है, जो ये वारसाए पैक्ट है, अगर तुम्हें कहीं लगे कि कहीं की गलत हो गया है तो बताओ, बोलो सर यहाँ गलत है। अगर आपको दिख रहा है, अगर पढ़ा है आपने, अगर आपने पढ़ा है तो आप बता पाओगे, नहीं पढ़ा है तो बता नहीं पाओगे, बैठ के देखोगे उसको कोई फायदा है नहीं। अगर आपने सीखा है, समझा है, सुना है तो यहाँ पर बोला भी करो साथ साथ के अंदर, बात समझ आ गई। इसको कहा गया है हमारी किताबों में अपमानजनक संधि, अपमानजनक संधि। एक संधि की थी इसने, साम्यवाद ने किससे करी थी, क्योंकि जो साम्यवादी गुट है, ये जो साम्यवादी गुट, मान लो एक काम करो, या तो मान लो इसको यूएसएसआर, ये 15 गणराज्यों का समूह है। क्या है, 15 गणराज्यों का समूह है, मतलब यूएसएसआर में 15 देश शामिल है, 15 देशों को मिलाकर यूएसएसआर बना है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सोवियत संघ। क्या कहते हैं हिंदी में इसको, सोवियत, इसे कहते हैं हिंदी में हम सोवियत संघ कहते हैं। क्या कहते हैं, सोवियत, इसको हम संघ कहते हैं। बात समझ आ गई, क्या कहते हैं इसको, सोवियत सोवियत संघ कहते हैं। और ये नाटो एक संगठन है, किसका संगठन है, अमेरिका का है। अब मैं ये बता रहा हूं आपको, द्विध्रुवीयता का अंतिम चैप्टर का नाम है, ये कैसे आया है, अब ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सारी कहानी शुरू होती है। ये
ये बताया मैंने आपको, एक ध्रुवीयता अमेरिका है और एक ध्रुवीयता यूएसएसआर है, एक ध्रुवीयता यूएसएसआर है। अमेरिका सबसे पहले इसने अपनी पूंजीगत चादरों को प्रकट किया था, अमेरिका ने सबसे पहले किया था, कब किया था याद रखिएगा, कब किया था, ये हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 1939 से 1945 तक चला था, आपने पढ़ा होगा। इस युद्ध के बाद अमेरिका ने जब इसी युद्ध में जो अमेरिका ने जापान, जापान का एक शहर है, जापान के दो शहर हैं, एक है हिरोशिमा और एक है नागासाकी, इन दोनों के ऊपर क्या गिर दिया था, परमाणु बम गिरा दिया था, तो पूरे विश्व को यह मालूम पड़ गया था कि अमेरिका सच में कितना शक्तिशाली देश है, अमेरिका सच में कितना शक्तिशाली देश है, माइंड चेक करते रहना ठीक है ना, अमेरिका सच में कितना शक्तिशाली देश है, ठीक है, इससे मालूम पड़ गई, यानी कि पूरे विश्व में अमेरिका की वाहवाही हो गई थी उसकी शक्ति को लेकर, उसकी ताकत को लेकर, ठीक है, और पूरे विश्व ने मान लिया था कि अमेरिका ने पूरे विश्व को एक तरह से कैप्चर कर रखा है, उस तरह से कोई नहीं है, और इस तरह से अमरीका प्रथम ध्रुवीयता बन गया, क्या बन गया था, प्रथम ध्रुवीयता बन गया था, और उसने पूंजीवादी विचारधारा को जन्म दे दिया कि पूंजीवादी विचारधारा अच्छी होती है, ऐसा उसने प्रेजेंट किया, उसकी विशेषताओं ने लोगों को प्रेरित किया। वैसे तो देखा जाए कैपिटलिज्म होता है अमीरों के लिए, और अमरीका में लगभग सारे उद्योग धंधे प्राइवेट ही है, ठीक है, क्या है, प्राइवेट है। अब होता क्या है, तो इसी के विरोध में यूएसएसआर आ गया, यूएसएसआर ने क्या करा, जब उसने पूंजीवाद लाया तो साम्यवाद लाया, और यूएसएसआर ने विश्व रंगमंच पर खुले में उसने कहा कि पूंजीवाद गलत है, ये सिर्फ अमरीका को आगे बढ़ाएगा, या ये कहें सिर्फ अमीर लोग हैं उनको आगे बढ़ाएगा, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं, ऐसा कहा यूएसएसआर ने, और ऐसा मान भी लिया गया, लेकिन पूरे विश्व ने मान लिया कि अगर अमेरिका को टक्कर दे सका है तो और यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, तो भैया इसी कारण अगर ये बन गया प्रथम ध्रुवीयता, क्या बन गया, तो ये बन गया दूसरी ध्रुवीयता या द्वितीय ध्रुवीयता, ठीक है, समझ आ रही बात, और जब ये दोनों बन गए तो इन दोनों के बीच में जो वैचारिक मतभेद थे, वैचारिक मतभेद ने जन्म दिया एक युद्ध को, इसको जन्म दिया एक युद्ध को, जिसका नाम था शीत युद्ध, और आपकी किताब में ये चैप्टर पहला था, लेकिन सरकार को क्या सूझी, उसने फर्स्ट चैप्टर हटा दिया और सेकेंड को कर दिया फर्स्ट। अब एक बार सिंपल सी है, कोई दो ध्रुवीयता तब जानेगा ना, उसको पता होगा, आपको शुरुआत नहीं पता, जाके अंत पढ़ा रहे हैं ग्राफ के अंदर, जो मुझे लगता है सरासर गलत है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को जो बारहवीं का बच्चा पोल साइंस है, उसका पहला काम है शीत युद्ध को समझना, और शीत युद्ध एक वास्तव में युद्ध नहीं था, एक वैचारिक मतभेद था, जिसने पूरे विश्व को ऐसा मानने पर मजबूर किया कि युद्ध की चिंगारी कहीं बढ़ सकती है, इन दोनों में युद्ध कभी भी हो सकता है, और ये बात और पुख्ता हो गई, सच मान ली गई, जब अमेरिका ने नाटो की स्थापना कर दी 1949 में अप्रैल के महीने में, जो लिख लो भाई, 4 अप्रैल 1949 को नाटो ने इसकी स्थापना कर दी, सॉरी अमेरिका ने नाटो की स्थापना कर दी, और जैसे ही इसकी स्थापना हुई तो पूरा विश्व मान चुका कि भाई अब तो युद्ध होना है, भाई कोई अगर बंदा सैनिक हत्या कर रहा है, सैनिक संगठन बना रहा है, तो बाकी विश्व को क्या लगेगा, कोई ऐसे ही संख्या बढ़ाएगा सैनिकों की, नहीं ना, तो बाकी को लगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका हमला करने वाला है यूएसएसआर पर, ठीक है, और इसी बात को देखते हुए यूएसएसआर ने भी वारसा पैक लेके आ गया, अब वारसा के मजाक, ये कई बार मैंने देखा है गलत हो जाता है, मेन याद रखिए कि ये वारसा पैक यूएसएसआर लेकर आया, लेकिन ये अपमानजनक संधि तक रह गया, मतलब इससे उसके सदस्य देशों को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान हुआ, एक तरह से पूरे विश्व में इंसल्ट हो गई, इसलिए इसको कहा गया अपमानजनक संधि, जिससे किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचा।
सुनते जाना, इन दोनों के मतभेद से, इन दोनों के विचार के भेद से, इन दोनों का एक मत ना होना, एक दूसरे के खिलाफ खड़े होना, एक दूसरे के साथ वैचारिक लड़ाई लड़ना या ऐसी स्थिति पर करना कि युद्ध कभी भी हो सकता है, इस सब घटना ने सिद्धार्थ को जन्म दिया। सिद्धार्थ को जन्म दिया, ये कहा जाता है कि 1945 से ही कारनामा शुरू हो गया था, जो जाकर रुका 1990 में, 1990 में, तब रुका 1990 में, और 1990 में जाके ये युद्ध खत्म हो गया। अब तुम कहोगे सर युद्ध तो हुआ ही तो खत्म कैसे हो गया भाई, सिंपल, इन दोनों के मतभेद थे, इन दोनों के मतभेद था, यूएसएसआर में 15 देश शामिल थे, एक एक करके निकल गए, एक एक करके सब निकल गए। अगर आपने सुना होगा हाल फिलहाल में रसिया और यूक्रेन का चल रहा था, यूक्रेन भी इस 15 गणराज्यों में शामिल था, और 1990 में ये सब एक एक निकलना शुरू गए। जब ये सारे सारे निकल गए तो अकेला कौन बच गया, रसिया यानी कि रूस अकेला ही बच गया, ये संगठन खत्म हो गया, यानी कि दूसरी दुर्विधा अंत हो गया। और जैसे ये खत्म हो गया तो इन दोनों बीच में क्या चल रहा था, ये भी खत्म हो गया, दोनों खत्म की बात है, ये पूरा का पूरा युद्ध, ये पूरा घमासान इन्हीं के पीछे चलता है। अब यहां एक चीज और है, जब ये चल रहा था शीत युद्ध, इसी शीत युद्ध के दौरान एक देश है जर्मनी, क्या देश है जर्मनी, जर्मनी, ये देश दो भागों में टूट गया था, एक था ईस्ट और एक था वेस्ट, दो में टूट गया था, इनके बीच में थी दीवार जिसका नाम है बर्लिन की दीवार, कौन दीवार है, बर्लिन की दीवार, बर्लिन की दीवार, ये दीवार बनाती थी उन्होंने बीच में, ये दीवार बाद में यहाँ की जनता ने ही गिराकर तोड़ दी। आपकी किताब में इसकी एक पिक्चर बनी हुई है, कुछ लोग दीवार को खुद से दिखाए गए हैं, हल्का सा गड्ढा दिखाया गया किताब के अंदर में, ठीक है, वो आप देख सकते हैं उसमें बुक के अंदर में। तो ये चीज हुई, और कहते हैं इसका प्रतीक भी है। अच्छा, इसी दौरान बहुत कुछ हुआ था, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, ठीक है। जैसे एक आता है इसमें क्यूबा, एक आता है क्यूबा, और इसमें क्या हुआ है, मिसाइल, क्या हुआ है, मिसाइल, मिसाइल संकट कह लो, क्या कह दो, क्यूबा मिसाइल संकट, ये कह दो, ध्यान से सुनना, क्यूबा मिसाइल संकट हुआ क्या, मान लो ये अमेरिका का नक्शा है, ये बगल में छोटा सा तला एक द्वीप है, और ये द्वीप क्या है, क्यूबा है, यहीं पर यूएसएसआर के नेता थी, एक नेता थी जिसका नाम था निकिता, थोड़ी थी नहीं था, निकिता खुर्शचेव, निकिता खुर्शचेव, ये नेता, इसने क्या करा, यहां तैनात कर दी मिसाइलें, क्या तैनात कर दी मिसाइलें। उन दिनों अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था जॉन एफ कैनेडी था, उसने क्या कहा कैनेडी ने, उसने कहा ये मिसाइल डालो, निकिता को कहा, निकिता नहीं माना, मजबूरन क्या हुआ, इस बंदे को अपना जंगी बेड़ा यानी कि नाटो के जो मेंबर थे उनको इसको उतारना पड़ गया, और उसके बाद इस बंदे को मिसाइल पीछे देनी पड़ी, इससे क्या हुआ, इन मिसाइलों को क्या लग गया, संकट, और ये बन गया क्यूबा मिसाइल संकट, मतलब क्यूबा में लगी मिसाइलों पर जो संकट लगा उसी संकट को आगे आगे चलकर क्यूबा मिसाइल संकट, क्या बात समझ आई आपको, आगे वेरी गुड। इसी चैप्टर में एक वर्ड और आपका आया है, मी शस्त्री, ये भी समझ लीजिए भाई, वर्ड आया हुआ आपके में पूछ ले, यहां मी का मतलब है नहीं, शस्त्र मतलब है शस्त्र, कण का मतलब है बनाना, कण का मतलब बनाना, इसका मतलब शस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं बनाना, शस्त्रों का निर्माण नहीं करना, अगर करना है तो सिर्फ आत्मरक्षा के लिए, किसी पर हमला करने के लिए नहीं। इसी दौरान कई चीजें और आई है, जैसे आया NTBT, एक आया CTBT, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये कुछ संधियां हुई थी। इस संधियों का मोटिव यही था कि युद्ध से और शस्त्रों से निजात पाना, युद्ध से और शस्त्रों से निजात पाना, ठीक है। लेकिन जो नीति अपनाई थी ना अमेरिका ने बनाई थी, या दो देशों ने किसने मिलकर बनाई थी, इनका मोटिव यह था कि कोई और देश ऐसा ना कर पाए,
इसी कारण जब भारत को अपना परमाणु परीक्षण करना था ना, बड़ी दिक्कत हुई थी। और मैं कई बार बोला विद्यार्थियों को कि अगर आप 12वीं क्लास में आप 800 तो परमाणु मूवी जरूर देखो, क्योंकि उसमें एग्जैक्टली दिखाया गया कि अमेरिका किस प्रकार हमारे सिर पर मक्खी की तरह भिनभिना रहा था। ठीक है, तो ये कुछ है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एलटीबीटी की फुल फॉर्म, सीटीबीटी की फुल फॉर्म, लिमिटेड टेस्ट बैंक ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी, ये पूछा जाता है। इसके अलावा और भी चीज है, सेंटो है, क्या है सेंटो, नाटो, सीटो, सीटो भी है भाई, सीटो, ठीक है, ये भी वर्ड इसके अंदर ही है। अब देखो नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, ये पांच तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी कितनी फुल फॉर्म है इसके अंदर जो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब इसी के अंदर में एक चीज मैं आपको और बता दूंगा यार, इसी के अंदर में और इसी बोर्ड पर बताऊंगा मैं फालतू में टाइम बर्बाद नहीं करना आपने। ठीक है, जरा बताइए हम तक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कैमरे में, ओके तो मैं बताता हूं आपको शॉक थेरेपी। पता है आपको, शायद पता नहीं होगा, बता दूं आपको मैं, ये जो शॉक थेरेपी है ये अपनाई थी किसने, यूएसएसआर ने अपनाई थी। और उसका मानना ये था कि जैसे अमेरिका तरक्की कर रहा है, जैसे अमेरिका आगे बढ़ रहा है, क्यों ना मैं भी ऐसा कुछ करूं, ऐसा कौन मानना था, रशिया यानी कि यूएसएसआर मान रहा था। और इसका क्या हुआ, उसने अपनाई शॉक थेरेपी, क्या अपनाई, जिसका एक अनुवाद रखा गया जख्म देकर मरहम लगाना, जख्म देकर मरहम लगाना। भाई बताओ इसका मतलब, आज तक मैं कई बार पूछा बता नहीं पाए, मैं एक बात सिंपल सी बोलूंगा, इन्होंने कहा शुरू में कि पूंजीवाद गलत है, ठीक है, और बाद में खुद अपने काम धंधों को प्राइवेट कर रहे हैं, अपनी कृषि को प्राइवेट कर रहे हैं, अपने उद्योग धंधों को प्राइवेट कर रहे हैं, अपने बैंकों को प्राइवेट कर रहे हैं, जिंदगी प्राइवेट कर दी उन्होंने पूरी पूरी। जब तुम्हें पता था कि ये गलत है तो क्यों अपना रहे, और अगर तुम्हें पता चल गया कि ये गलत नहीं है तो पहले क्यों नहीं अपनाया, जख्म भी खुद ही दे रहे हो और मरण भी। इसने क्या करा, थेरेपी ने जख्म दिया और बहुत तगड़ा जख्म दिया। इसने कैसे दिया बताता हूं, ये कहा जाता है कि इसका मोटिव था अपनी धन संपदा को, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, लेकिन हो गया उल्टा, इस थेरेपी ने सोवियत संघ का विनाश कर दिया, सोवियत संघ ही हो गए स्वाहा, क्योंकि इसके बाद इनकी आर्थिक स्थिति और कमजोर होती चली गई, कमजोर हो गई, क्योंकि बैंकों का निकल गया दिवाला, किसान आ गए लड़ने खड़े हो गए, लोगों के पास खाना खत्म हो गया, लोगों के पास पैसा नहीं बचा। वहां पर एक ही सरकार हुआ करती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, 50 साल से वही सत्ता में थी, लोग अपना अधिकार इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। कुल मिलाकर सारी बात आती है कि सोवियत संघ ने 15 गणराज्यों ने अपनी जनता का विश्वास खो दिया, और जब जनता सपोर्ट में नहीं होती ना तो कोई सरकार टिकती नहीं, कोई संघ टिकता नहीं, कोई पार्टी नहीं टिकती। वही हाल इसका हुआ, जनता सपोर्ट खो बैठी और सोवियत संघ धागा धागा नीचे गिरती चली गई, और रशिया अकेला खड़ा हो गया और सोवियत संघ हो गया विघटन, बोले तो दुर्दशा का हो गया अंत। इसी शॉक थेरेपी से मैं इसी को मानता हूं। इसमें एक चीज और आती है, और तो में सुनना, इसी में ही एक आती है ग्रास सेल, क्या आती है, ग्रास सेल, एक आती है ग्रास सेल, पता नहीं कैसे ही भरा है ग्रास सेल, सारी इंडिया का होता है। ग्रास सेल की बात करता हूं, ये जो ग्रास सेल है ये क्या था, इसके अंदर यूएसएसआर ने अपने उद्योग धंधों को प्राइवेट हाथों में बेचा, इसमें था प्राइवेट हाथों में बेच दिया। जब वो प्राइवेट हाथों में आया, उद्योगपतियों के हाथ में आया, तो इन्होंने ये देखा कि जितनी वैल्यू उन्होंने खरीदा है उतनी वैल्यू असल में है नहीं, तो उनको लगातार होने लग गया लॉस, लॉस से रिकवर करना जरूरी था, उन्होंने सोचा कि यार लॉस पूरा हो जाए। उन्होंने क्या करा, अपने सारे उद्योग धंधे काला बाजारियों को बेच दिए, और उनके द्वारा उद्योग धंधों को काला बाजारियों को बेचना बन गया विश्व की सबसे बड़ी ग्रास सेल, विश्व की सबसे बड़ी ग्रास सेल ये बन गया। ये जी बात सुन आई, विश्व की सबसे क्या बन गया, ग्रास सेल बन गया। और एक तो बात ये ग्रास सेल की बात हो गई, इसी में एक बात और है जिनका नाम कई बार आएगा, मिखाइल गोर्बाचेव, क्या नाम है, मिखाइल गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, मैं इनकी बात कर लू आपसे,
ये जो मिखाइल गोर्बाचेव थे कहते हैं सोवियत संघ का जो थोड़ा बहुत विकास हुआ था ना वो इन्हीं की नीतियों की बदौलत हुआ था। इनकी दो नीतियां बड़ी ही सक्सेसफुल थी, एक थी पेरेस्टोरिका, पेरेस्टोरिका, एक तो ये थी स्टोरिका, एक तो ये थी, और एक थी थी ग्लासनोस्ट, ग्लासनोस्ट, एक ये थी। ये दो ये रशियन वर्ड है, कौन से वर्ड है ये? रशियन वर्ड है। इन दो नीतियों की बदौलत सोवियत संघ ने जो विकास किया किया, और उन्होंने थी नहीं विकास करने के लिए, यही नीतियां थी जिनका प्रयोग करके उन्होंने सारा कुछ विकास किया था। ये मैंने जो आपको बताया है पूरी खिचड़ी पढ़ाई है, क्या पढ़ाई है? खिचड़ी। इसमें मैंने आपको सारे के सारी चीजें बता दी है, इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट। मैंने साफ साफ एक ही बात कह रहा हूं आपको, मैं पॉल साइंस याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। खेल खेल में सीख जाओगे बहुत आसान है, खेल खेल में सीख जाओगे बहुत आसान है। अब मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर में से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? वो भी सुन लीजिए और आपको उसके आंसर लिख के भी दिखाने पड़ेंगे, ठीक है? चेक करते हैं, दिखाता हूं आपको कौन कौन से क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। सुनना जरा, समझना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है जो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता है समझ लेना चैप्टर क्लियर हो गया आपका, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन ये जो है यही क्वेश्चन है, दो ध्रुवीता के अंश के क्या कारण थे। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप कारण थे तथा इसके क्या परिणाम रहे, ये भी हो सकता है, कारण होगा तो परिणाम भी होगा। दूसरा शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी क्या थी या क्या है, इसकी विशेषताएं पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है? विशेषताएं, विशेषताएं पूछ सकता है आपसे, ठीक है? इसके अलावा तीसरा आपसे पूछ सकता है क्यूबा मिसाइल संकट, क्या पूछ सकता है? क्यूबा मिसाइल संकट क्या था ये आपसे पूछ सकता है। चौथा आपसे पूछ सकता है नाटो के बारे में, नाटो की स्थापना कब हुई, इसके सदस्य कौन कौन से हैं, आपसे ये पूछ सकता है, ठीक है? पांचवा आपसे एनटीबीटी पूछ सकता है, क्या है, क्यों हुआ ये। छठा आपसे सीटीबीटी पूछ सकता है, ये क्या है और क्यों हुआ ये। सातवां आपसे सेंटो पूछ सकता है, आपसे सेंटो की फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है? इसके अलावा आठवां और भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे, घबराना मत, बहुत मजा आएंगे। एक है रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन पूछ सकता है देशों के रिलेशन, जैसे मान लो आपसे पूछ सकता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, या आपसे पूछ सकता है या इंडिया वर्सेस अमेरिका, आपसे भी पूछ सकता है। ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके साथ हमारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संबंध, दोनों के साथ केवल एक को छोड़कर। अगर बात करूं इंडिया वर्सेस रसिया, अगर इनका संबंध आ जाए तो इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ अच्छे संबंध है, सकारात्मक संबंध है, क्योंकि भारत ने हमेशा रसिया को समर्थन दिया है, उसका मानना रसिया की नीतियां अच्छी है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद 1950 में हमने योजना आयोग की स्थापना की थी। इसकी योजना आयोग पोल साइंस, 12वीं क्लास की पोल साइंस की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर में सेकंड थर्ड तीनों में घूमेगा बार बार। और इसी योजना के द्वारा हम लेके आए थे पंचवर्षीय योजना, क्या लेके आए थे? पंचवर्षीय फाइव ईयर प्लान। ये कहां से लिया था हमने? रशिया से, या बोलो यूएसएसआर से हमने ये लिया था। तो एक बात जो थे इसी कारण जब अमेरिका को मालूम पड़ा कि रशिया को ये सपोर्ट करता है इंडिया, या यूएसएसआर की नीतियों का पालन भी कर रहा है, कहने का मतलब ये कोई मुंह से बोलता नहीं है, लेकिन अमेरिका को क्या दिख गया कि रशिया ने अपनाया ये इंडिया ने अपना लिया, तो अमेरिका को लगा कि रशिया की नीतियों को इंडिया अपना रहा है, तो इसका मतलब उनमें कोई ना कोई संबंध तो बन रहा है। जब ये बात अमेरिका को मालूम पड़ी तो इसको खुजली लगी, अमेरिका की हरकतें बहुत खराब है, इसको हमेशा लगता है कि भारत हमसे आगे निकलना है,
जब इसको ऐसा मालूम पड़ा तो इसने क्या करा, अमेरिका ने पाकिस्तान को खूब सपोर्ट किया कि भैया पाकिस्तान तू एक काम कर, भारत को परेशान कर। इसी तरह हमारे बहुत हमले हुए हैं, लेकिन जब इसकी बैंड बजी 9/11 घटना हुई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, तब ये शांत हो गया। अब ये भारत मुंह के सोता है, अब ये भारत मुंह के सोता है कि भारत बचा लेगा या भारत से सब लोग भारत का समर्थन बनाता है। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, कभी दिमाग में मत ले जाना कि कोई भी देश अमेरिका को हरा सकता है, नहीं। अमेरिका को हराना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, नामुमकिन है। अमेरिका को आप युद्ध में हरा नहीं सकते, अमेरिका अमेरिका भैया बहुत पावर उसके पास, आप हरा ही नहीं पाओगे। ये सारी घटना है और संबंध तो एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, आपसे एक बात अच्छे से याद रखना, ठीक है। इस चैप्टर में वैसे तो देखा जाए बहुत कुछ बताने के लिए, बहुत कुछ, इतना कुछ है कि ये वीडियो 3-4 घंटे चले तो भी कम पड़ जाए। अगर मैं पूरे 5 घंटे लगातार वीडियो में पढ़ाऊंगा तो भी ये टॉपिक खत्म नहीं होगा, तो इंतजार मत करो। अगर आपको समझना है, डीपली पढ़ना है, तो मोस्ट वेलकम, अध्ययन मंथन में आइए, सिखाने पढ़ाने का हम करेंगे और आपको बिना याद बिना रट्टा लगवाए पूरी कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे। बस अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आसपास में रहते हैं तो जरूर आगे पढ़िए, क्योंकि सारी बातें यूट्यूब पे होना पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये सारी समझ आ गई है तो कमेंट में जरूर बताना, कोई दिक्कत हो वो भी बताना, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ कुछ और कराने के लिए जो कि ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन नहीं हो सकता, तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोर्ड मेरे पास यही है, मुझे हर बच्चे को देखना होता है कौन बच्चा कैसा आंसर लिख रहा है। सेम मैं आपके लिए भी यही करूंगा, बस सत्य एक बार आइए तो सही। तो मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में जहां हम कबात करेंगे अगली चीजों की। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद।